ऐसा देश जिसे संतों की भूमि कहते हैं, एक ऐसा देश जहाँ न जाने कितने ही साधु संतों ने जन्म लिया और इस धरती को धन धन्य कर दिया। इसी तरह आज से कई वर्षों पहले बिहार के पटना में जन्म हुआ एक ऐसे संत मनीषी का, जिनके जीवन का केवल एक उद्देश्य था, हरि नाम का प्रचार प्रसार करना। जी हाँ, परम पूज्य स्वामी श्री मधुमंगल दास जी का जन्म बिहार के पटना में हुआ था। महाराज श्री का बचपन का नाम सरदार जी था, लेकिन उनकी माँ प्यार से विनोद या विनोदवा बुलाती थी। महाराज श्री की माता का नाम सावित्री देवी और पिता का नाम रामदेव जी था। महाराज श्री के माता पिता दोनों ही धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे। हरि के नाम का स्मरण सुन सुन कर ही गुरु जी का बचपन बीता, जिस कारण बचपन से ही महाराज श्री का ध्यान धार्मिक कार्यों में लग गया। ईश्वर के नाम के स्थान के साथ साथ ही महाराज श्री ने अपनी शिक्षा पटना के हाई स्कूल से पूरी की और फिर मुंबई में आकर पूर्ण रूप से आध्यात्मिक जीवन को समर्पित हो गए। महाराज श्री पिछले 18 से 20 वर्षों से मुंबई से सटे वसई तालुका नाला सोपारा विरार में आकर रहने लगे और कृष्ण नाम संकीर्तन, भागवत कथा तथा अनेक धार्मिक कार्यों द्वारा हरि के नाम का प्रचार प्रसार का कार्य शुरू कर दिया। और हरि के नाम का प्रचार प्रसार गुरुजी ने केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी किया। गुरुजी अब तक देश विदेश में 500 से अधिक कथाएं कर चुके हैं और अपना गृहस्थ जीवन भगवान की सेवा कथा प्रचार में समर्पित कर चुके हैं। ऐसे पूज्य ओजस्वी कथाकार स्वामी श्री मधुमंगल दास जी महाराज से धर्म ग्रंथों पर आधारित कथा के आयोजन करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं 7021472191 9920949 4965 6। साथ ही आप पूज्य महाराज श्री को YouTube या Facebook पर CHSH Foundation टाइप कर कथा का लाभ ले सकते हैं। धोबी गधा लेके जाता था, रोज कपड़ा धोता था किसी तालाब में जहाँ सुंदर पानी की व्यवस्था थी और घर पे लेके आता था। शाम को दिन भर गधे को चरने देता था। एक दिन उस तालाब में उसको एक चमकता हुआ पत्थर मिला। क्या मिला? चमकता हुआ पत्थर। उसने पानी में ऐसे ऐसे साफ करके देखा और सोचा, अरे पत्थर मेरे गधे के गले में बांध दूंगा तो बड़ा सुंदर दिखेगा वो। और उसने उसको अच्छे धागे में करके बांध दिया गधे के गले में। अब रोज आता था, जाता था कपड़ा लेके। उसी के यहाँ एक जोहरी का कपड़ा धुलाई होती थी, मलमल का कुर्ता और धोती। तो एक दिन देर से जब उसका कपड़ा नहीं पहुंचा तो जोहरी उसके घर पे आ गए कपड़ा लेने के लिए। तो गधा भी घर पे बंधा हुआ था। तो जोहरी ने देखा कि गधे के गले में इतना बड़ा हीरा बंधा हुआ है। जोहरी तो पहचान गया, ये पत्थर नहीं है, हीरा है। तो जोहरी ने बोला, भैया कपड़ा दे दो फटाफट, हो गया क्या? बोला हाँ। बोला एक और चीज लेना है। बोला ये जो गधे के गले में बांधा है ना पत्थर, वो भी लेना है। तो उसने बोला ठीक है ले लो, लेकिन हमें बहुत पसंद है, मैं आपको ऐसे नहीं दूंगा, ये बहुत मुझे अच्छा लगता, आनंद देता, इसलिए तो बांधा हूं मैं कितने सालों से, आप ले लोगे लेकिन इसका कुछ कीमत देना पड़ेगा। तो बोला बोलो क्या कीमत? बोले हम क्या, आप दे दो खुशी से जितना देना है। तो जोहरी ने उस इतने बड़े हीरे का पत्थर का भाव 10 रुपया लगाया। कितना? 10 रुपया। बोला 10 रुपया देता हूं, क्योंकि उस जमाने में कपड़े की धुलाई 4 आना 8 आना सबके साथ धुलाई और स्त्री के साथ होती थी। तो बोला 10 रुपया। गधा भी उधर बैठा था। जैसे ही जोहरी ने बोला 10 रुपया, वो पत्थर फट के 1000 टुकड़ा हो गया। पत्थर फट गया, 1000 टुकड़े हो गए। और जोहरी ने बोला नहीं नहीं 10 रुपया नहीं, अब खाली 1 रुपया दूंगा। अरे बोला अभी 10 रुपया बोलता है, अभी 1 रुपया बोलता है, ऐसी क्या बात है? बोला ऐसी बात है कि जब वो बड़ा था तो मैंने 10 रुपया, अभी तो 1000 टुकड़े हो गए तो 1 रुपया दूंगा, टुकड़े टुकड़े की कीमत नहीं। तो जोहरी ने, धोबी ने कहा चल ठीक है भाई, तू अभी तो टूट गए, अभी तो अच्छा भी नहीं लगा, ले ले 1 ही रुपया दो, चलो कोई बात नहीं, 4 कपड़े का तो पैसा आ गया।
तो जोरी ने सब समेटा और हाथ में लेके उसको पूछा, भाई मैंने ऐसे क्या गुनाह किया था? तू मेरे देखने तक तो पूरा करोड़ों की थे, अब फट गया, अभी एक एक इतना छोटा हो गया डस्ट, अब इसका वैल्यू कम हो गया, क्यों ऐसा किया तू? हीरे ने कहा, ये धोबी ने तो गधे के गले में बांधा हुआ था सालों से, उसको मालूम नहीं, मुझे कुछ एतराज नहीं, तू तो जौहरी है, तू तो क्या है, जौहरी है, पहचानता है, अब तूने मेरा भाव 10 रुपया लगा दिया, मेरा हृदय फट गया, तुरंत फट गया मैं, और फट के बिखर गया मैं कि तू जौहरी है या हजाम है, तू तो ये गधा पालने वाले से भी बेकार है तू तो, उसको तो अक्कल नहीं, पहचान नहीं, इसलिए वो बांध के आनंद कर रहा था कम से, तूने मेरा कीमत 10 रुपया लगा दिया। हम लोग भी वही जौहरी हैं, हम लोग भी वही जौहरी हैं, हमारे अंदर कृष्ण प्राप्त करने की क्षमता है, हमारे लोगों ने किया है ना, हमारे पूर्वजों ने किया है, लेकिन हमने अपनी कीमत नरक में जाने वाले पृथ्वी लोक में जाने वाली बना के इधर बैठे हैं, इधर भोग और भंडारण कर रहे हैं। तो भगवान का हृदय भी फट गया है देख के कि हाय रे हाय जीव, हाय रे हाय जीव, तूने जब गर्भ में था, उस कष्ट में था, अंधकार कोठरी में पड़ा था 9 महीना, तो क्या बोल रहा था, बाहर निकालो बाहर निकालो, भगवान का भजन करूंगा भजन करूंगा, और जब बाहर निकल गया तो खाली भोग कर रहा है भोग कर रहा है, तो भगवान का हृदय भी विदीर्ण हो रहा है हमेशा, भगवान का हृदय भी विदीर्ण हो रहा है, देखो गले का हार भी टूट के नीचे आ रहा है, भगवान का हृदय विदीर्ण हो गए, भगवान बोले हार वार निकाल भजन कर, हार छोड़, अभी हार की जरूरत नहीं है, बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान सबके हृदय में विराजमान है, उनके हर कार्यकलापों को देखते रहते हैं, और भगवान फिर विदीर्ण होते रहते। प्रभुपाद जी सिखाते हैं कि हर जीव को समझना चाहिए कि वह हर समय स्टेज के ऊपर खड़ा है, कहाँ खड़ा है, स्टेज के ऊपर या बैठा है, क्यों ऐसा बताते हैं, क्योंकि जो स्टेज पे रहता है उसको सब देखते, स्टेज पे रहता है उसको सब देखते, आप सब लोग मुझे देख पा रहे हैं, लेकिन मैं सभी लोगों को ठीक ठीक नहीं देख पा रहा हूं, तो प्रभुपाद सिखा रहे हैं कि अपने आप को स्टेज पे समझना चाहिए कि आप जो भी कर रहे हो भगवान उसके साक्षी हैं, भगवान उसके परमात्मा रूप में अंदर विराजमान होके साक्षी है, देख रहे हैं, और सिर्फ भगवान ही नहीं, ऊपर देखिए आज तो चांद नहीं है, तारे हैं, नक्षत्र हैं, अनेक अनेक प्रकार के देवता हैं, वायु है, दिन में सूर्य का प्रकाश, सूर्य रहता है, अनेक लोग इसके साक्षी होते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या क्या जमा किया है, कैसे कैसे किया है, सब आपका देखा गया है, आप स्टेज पे हो और सब लोग देख रहे हैं। और फिर एक विशेष आदमी बिठाया है भगवान ने व्यवस्था में, उसका नाम है चित्रगुप्त, क्या नाम है, चित्रगुप्त का मतलब होता है जो गुप्त रूप से आपका चित्र लेते रहता है, गुप्त रूप से, जैसे CCTV लगे रहते हैं सब जगह पे, है ना, आज CCTV का चलन है, आप क्या कर रहे हैं इस हॉल के अंदर हूं सब रिकॉर्ड हो रहा है, तो जब नीचे वाले CCTV लगा सकते हैं तो भगवान लगाएंगे तो आश्चर्य क्या है, तो चित्रगुप्त जी को बिठाया है, भैया गुप्त रूप से फोटो खींच के लिखते रहे ना कौन कौन क्या कर रहा है, और जब आएगा फाइनल हिसाब किताब करेंगे उसको, जिसने पूरा काला काला किया है उसको नरक में भेजेंगे, जिसने थोड़ा ठीक ठाक किया है फिर से मृत्यु लोक में माँ बाप के गर्भ में भेजेंगे, और जिसने हरे कृष्णा 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 हरे हरे निरंतर जप किया है, कीर्तन किया है, हाथ उठा के नाचा है, सत्संग में बैठ के प्रेम से सुना है, सभी में अपना
अपना जैसे अपने आप को प्रेम करते ना, ऐसे अपने को देखा है सभी में। सभी में भगवान का दर्शन किया है और अब सबको प्रेम करने का भी अभिलाषी है। तो ऐसे जीवों के लिए भगवान के धाम में जगह रहता है, वो भगवान के भक्त रहते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग अब विराट रूप से आगे चल के 12वें अध्याय में चलते, जहां की इस अध्याय का नाम है भक्ति योग। क्या नाम है? भक्ति योग। और यही हम सबके जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। हम सबके जीवन का परम लक्ष्य है और जिनका नहीं उनका होना चाहिए। हमने पहले बताया था कुछ दिन, दो दिन पहले या तीन दिन, कि इस जीवन का एकमात्र अगर परम लक्ष्य कुछ है तो भगवत प्राप्ति है। क्या है? भगवान की प्राप्ति करना, परम लक्ष्य एकमात्र, बाकी सब अपने आप प्राप्ति होती है। सिर्फ हमें धैर्य रखना होता है। क्या होता है? सबर रखना होता है। परीक्षा लेना नहीं होता है, सबर। सबरी का नाम इसलिए सबरी हो गए क्योंकि उसने सबर रखा, भगवान की परीक्षा नहीं ली थी, सब्र के साथ बैठी हुई थी। भगवान आएंगे ही आएंगे, भगवान आएंगे ही आएंगे, गुरु पे भरोसा किया था। गुरु जी ने कहा था आप अपना काम करते रहना, इस कुटिया की साफ सफाई और सजा के रखना, एक दिन भगवान आएंगे। बच्ची से बूढ़ी हो गई लेकिन परीक्षा नहीं लिया, प्रतीक्षा किया था, इंतजार किया था सब्र के साथ, और फिर भगवान आए और आज अमर हो गई। क्या हो गई? अमर बन गई। क्वालिफिकेशन क्या था? क्वालिफिकेशन क्या था? आदि एक जो जंगल में रहने वाले है ना, सबर आदिवासी, क्वालिफिकेशन एक ही है, सरेंडर हो जाओ गुरु जी के, गीता जी के, भक्तों के, हरि नाम के, सत्संग के, इसमें कुछ मेहनत नहीं लगता है। तो इस प्रकार से हम लोगों को भगवान के शरणागत होना चाहिए, निरंतर हरि नाम चलते रहना चाहिए। तो भक्ति योग हम सबके जीवन का लक्ष्य है। क्या है? हम सबके जीवन का परम लक्ष्य भक्ति योग है। भक्ति योग मीन्स भक्ति करते रहना है भगवान कृष्ण को, जोर के भगवान कृष्ण की भक्ति करते। और किसी की भक्ति करेंगे तो या तो राजसी गुण आ जाएंगे या तामसी गुण आ जाएंगे। प्रकृति के तीन गुण हैं, तमस, रजस और सतोगुण। उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि एक ही टाइम में तीनों, एक ही आदमी में तीनों गुण आते रहते हैं। एक बार हम तमस रहते हैं, एक बार हम रजस हो जाते हैं, और एक बार फिर जब ही नहाए धोए ना एकदम आलस प्रमाद में बैठे तो तमोगुण ही रहते। ना धो लिया, कपड़े चकाचक पहन लिए, थाली सज के आ गई, अब राजसी चल रही है। आ हा क्या बढ़िया बनाया है, तुम्हारा हाथ तो लगता है काट के रख लो किसे पॉकेट में, इतना सुंदर बनाते। और कोई बनाता नहीं, राजसी सुख है। और सात्विक क्या है? भगवान ने इतना सुंदर भोजन दिया है, इतना सुंदर पत्नी दिया है, जो इतना सुंदर भगवान का भोग बनाती है, हमारी सेवा करती है। अब लोग हम मिलके बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक ही जीभ में तीनों रहता है। तो पहले दोनों, पहले का जो दोनों है ना वो नीचे स्तर का है, ऊपर वाला जो तीसरा है सतोगुण, उसमें हमेशा रहना चाहिए। हमेशा भगवान के नाम गुण रूप लीला में रमन स्मरण करते रहना चाहिए, मनन करते रहना चाहिए, सात्विक बनना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से या तो हम लोग तामसी हैं या तो फिर राजसी हैं, सत्व में नहीं है, सतोगुण में नहीं पहुंच पाते। और लक्ष्य यही है कि सतोगुण में रह के ही भक्ति किया जा सकता है, रजस तमस में भगवान की भक्ति नहीं की जा सकती। इसलिए शिव जी के जितने भक्त है सब तमोगुणी है, भूत प्रेत चांडाल
शिव जी के बारात तो आप लोग ने सुना है ना भागवत कथा में, उनके जब गण आए तो पूरी बाराती पूरा शहर को तबाह कर दिया। ऐसी बाराती ना निकली थी ना निकलेगी, क्यों? सब तमोगुणी थे ज्यादा से ज्यादा। जो देवता लोग थे वो भी सब रजोगुणी थे। तो हम लोगों का जीवन का लक्ष्य सतोगुणी बनना है, क्या भक्त बनना है, भगवान का भजन करना है। और आज हमें भक्ति योग सुनने का अवसर भगवान दे रहे और सुनाने का भी अवसर हमें दे रहे। तो तीन बार प्रेम से भगवान का नाम उच्चारण करेंगे और फिर भक्ति योग में जाएंगे, ताकि भगवान कृपा करे इस भक्ति योग को ठीक से सुनने का, समझने के लिए, जीवन में लेने के लिए और हमेशा भक्तिमय हो जाने के लिए। बड़े प्रेम और भाव से तीन बार महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी इसमें जो सेकंड श्लोक है वहां से स्टार्ट करते हैं। और इस योग में, भक्ति योग में बहुत सारे महत्वपूर्ण श्लोक है, तो उसका विस्तार से चर्चा करते रहेंगे आखिरी दिन तक, क्योंकि हम लोग भक्ति योग में ही जीवन लगाना है। तो इस पे विस्तार से चर्चा होगी और भक्ति योग को ठीक से समझने का कोशिश करेंगे। और जिनको भी श्लोक सुनने वाले जो प्रभु माता है, वो अब श्लोक का श्रवण करिए, उनके लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री भगवान उवाच, बोलिए मई, सब लोग बोलिए मई आवेश्य आवेश्य मन मन ए माम नित्य नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्या उपेता ते मे युक्ततमा मता। सब लोग को समझा इसका मतलब? इसका मतलब सब लोग को समझा क्या? कितने लोग को समझा? हाथ उठाइए। इसीलिए नहीं बोलता हूं, गलती करता हूं, क्षमा करिए, इसीलिए नहीं बोलता हूं। एक बाबा जी रहते, फेस रीडिंग करते। क्या रीडिंग करते? फेस रीडिंग, फेस देख के बोलते क्या क्या गुण लक्षण होंगे। तो मैं फेस रीडर बाबा जी नहीं हूं, लेकिन आप हुलिया रीडर बाबा जरूर हो। हुलिया से मालूम पड़ जाता है कि गीता जी आपके जीवन में कितना है, श्लोक कितना है, श्लोक का महिमा कितना है। समझ गए? पूरा सन्नाटा छा गए। आनंद हुआ कि चला गया ऊपर से? बाउंसर आ गई ना, बाउंसर समझते आप लोग? बोलिए ना। हाँ, बाउंसर आ गए है ना। किसके वाले? बुमराह का। क्या नाम है उसका? बुमराह 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 गाना भी है ना, वो बाउंसर आ गए। तो इसीलिए समय स्थान काल के हिसाब से रहना चाहिए, आनंद होगा। इसीलिए हिंदी सरल सरल बोल रहे थे, आप सबको समझ में आ रहा था। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मई आवेश्य मनो इमाम नित्युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतासते मे युक्ता मता मे युक्तमा मता। तो इसका प्रभुपाद जी अनुवाद लिखते हैं। जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरी सेवा
करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। इसका अनुवाद क्या लिखा है श्रील प्रभुपाद जी ने भगवान के द्वारा कहे गए श्लोक का? श्री भगवान ने कहा, जो लोग, थोड़ा सा ध्यान से आप कॉन्सेंट्रेट करिए, एकाग्रता बनाइए, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं, एक एक पैराग्राफ लेते हैं, एक एक लाइन पे चलते हैं, एक एक सेंटेंस पूरा करते हैं, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं, इतना लेते हैं। जो लोग भी अपने मन को, किसको? मन को, पांचों इंद्रियों में मन उसका स्वामी है। पांच इंद्रियां है ना, क्या क्या आपको बताया था? आंख, कान, नाक, जीवा और त्वचा। आंख, नाक, कान, जीवा और त्वचा। आंख, कान, नाक, जीवा और स्किन, त्वचा। समझ गए क्या? तो ये पांच इंद्रियों का भी जो स्वामी है वो मन है, और ये मन इतना चंचल है कि अर्जुन भगवान से कहता है, कृष्ण ये मन इतना चंचल है, इसको कैसे मैं कंट्रोल करूं, भस्म करूं? ये मैं आपको गारंटी देता हूं, आश्वस्त करता हूं कि अगर घोड़ा पूरी तेजी से भाग रहा है तो एक बाण मैं मारूंगा, उधर ही रुक जाएगा, एक इंच आगे पीछे नहीं जाएगा, इतना मुझे धनुर विद्या का ज्ञान है। लेकिन ये मन को क्या करूं, जो एक सेकंड के हजारवें करोड़ों हिस्से में कभी यहां होता है, कभी वहां होता है, कभी इस शहर, कभी उस शहर, कभी ये ला दो, कभी ये दे दो, कभी ये खिला दो, कभी ये पिला दो, इतना बेचैन करता है, इस मन का क्या करूं? भगवान ने क्या कहा? मन मनावा मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। इस मन को मेरे चिंतन में लगाओ। क्या कहा? इस मन को मेरे चिंतन में लगाओ, नमस्कार करने में लगाओ, पूजा करने में लगाओ, सेवा करने में लगाओ, कथा सुनने में लगाओ, कथा गाने में और कहने में लगाओ। तो क्या कह रहे कि अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करो। शायद कल ही मैं कह रहा था निराकार और साकार, कल कह रहा था कि परसों, जो भी एक दो दिन, कई लोग निराकार का पूरे दुनिया में प्रसार कर रहे हैं, है ना, और हो भी रहा है, हमने आपको उसका विस्तार बताया था। लेकिन यहां भगवान क्या कह रहे कि साकार रूप का, साकार रूप में लगाओ। और भगवान ये भी पीछे कह रहे कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही बुद्धि देता हूं। बात किसका माने, जो निराकार को फैला रहे हैं उनको, या भगवान साकार में कह रहे अपने मन को एकाग्र करो उनका बात माने? बोलिए, बताइए तो सही। जो भगवान कह रहे हो, क्योंकि भगवान प्रामाणिक है, कृष्णम वंदे जगत गुरु, ये भगवत गीता प्रामाणिक है, उनके पास प्रमाण क्या है? बस बिना प्रमाण के परोसे जा रहे थालियां और लोग चाट चाट के खाए जा रहे हैं। और एक ब्राह्मण वैष्णव भी पेट भरता है, लेकिन कैसे भरता है? भगवान को भोग लगा के महाप्रसाद खाता है, और रूखा सूखा जो भी है उसके आनंद में नाचता है। आप सबको पिछले 5-6 दिन से बिना प्याज लहसुन का दाल चावल सब्जी खिलाए जा रहे, कोई 56 भोग तो नहीं दिया जा रहा है, एकदम सात्विक शुद्ध भक्तों के द्वारा बनाए गए प्रेम भाव से, शरणागति भाव से आपको प्रसाद, महाप्रसाद दिया जा रहा है, और आप सबको आनंद हो रहा है। तो प्रामाणिक चीजें आनंद देती है, प्रामाणिक चीजों में अपना मन लगाना चाहिए। भगवान जो कह रहे हैं वैसे हमारा जीवन होना चाहिए। क्या कह रहे हैं कि अपना मन कहां एकाग्र करो? मेरे साकार रूप में अपना मन को एकाग्र करो। और साकार रूप कहां है भगवान का? कहां मिलेंगे भगवान साकार रूप में? कौन बताएंगे? कौन कथा ठीक से सुन रहा है बताइए, मैं हिंट दे रहा हूं। कहां?
अरे वहां नहीं, यहां मिलेंगे। ये देखिए क्या आप लोग भी गजब ढा रहे। चलिए एक एक लाइन का भजन गा लेते हैं कि प्रभु जी मेरे अब गुण चित न धरो, 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 प्रभु जी मेरे अब गुण चित न धरो। क्या निवेदन करना चाहिए? चलो सत्संग सुनने के बाद भी नहीं समझा तो प्रभु जी से निवेदन कर लो कि मेरा अवगुण अपने हृदय में मत बिठाओ। भगवान का साकार रूप चारों तरफ है, उधर बड़े जगन्नाथ जी का छवि, इधर राधा राज बिहारी जी, इधर साक्षात भगवान। और भगवान तो ऐसे भी याद दिलाते हैं और सिखाते हैं कि जो मेरी प्रकृति को ध्यान से देखेगा वो भी मुझे याद करेगा। भगवान ने कितने सुंदर पर्वत बनाए हैं, कितने सुंदर झरने बनाए हैं, कितने सुंदर समुद्र बनाए, कितना सुंदर नदियां बनाए, कितने सुंदर सुंदर आसमान में दृश्य कभी चंदा को देख के आकर्षित करते हैं। ये सब भगवान की तो देन है। आप देख रहे थे परम पूज्य श्री मधुमंगल दास जी महाराज के सानिध्य में श्रीमद् भगवत कथा का विशेष प्रसारण। ये कार्यक्रम निरंतर चलता रहे, जन जन तक हरिनाम पहुंचता रहे। भगवान श्री जगन्नाथ, बलदेव एवं सुभद्रा जी अपने स्वयं के स्थान में विराजमान हो सके, इसके लिए आप सभी दानदाताओं से अनुरोध है कि इस परम पवित्र कार्य में ज्यादा से ज्यादा सहयोग देकर भगवान की कृपा एवं प्रेम प्राप्त करें। हरे कृष्ण।